सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे टेक्स्ट वीडियो फाइल, तो उसके लिए इंपोर्ट करेंगे कुछ सपोर्टिंग फाइल्स। सपोर्टिंग फाइल इंपोर्ट्स करने के बाद में हम लोग जाएंगे टाइटल्स के अंदर, डिफॉल्ट टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक वन के ऊपर। ट्रैक वन पर ड्रॉप करने के बाद में हम लोग इस पर डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाके और यहाँ से हम लोग फॉन्ट को चेंज करेंगे। तो जो फॉन्ट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जो फॉन्ट का नाम है वो है कैप्चर इट, एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको इटैलिक्स में कर देंगे और फॉन्ट के साइज़ को हम लोग हल्का सा रिड्यूस करेंगे, एंड देन टेक्स्ट स्पेसिंग को हम लोग इंक्रीज करेंगे और 5 पर रखेंगे। देन हम लोग हमारे टेक्स्ट को एंटर करेंगे। टेक्स्ट एंटर करने के बाद में ओके पर प्रेस करेंगे और मीडिया के अंदर जाके जो हमारा टेक्सचर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 2 के ऊपर। देन इस पर डबल क्लिक करके वीडियो में जाके ट्रांसफॉर्म के अंदर इसको हम लोग रोटेट करेंगे 270 डिग्री पे, एंड स्केल को हम लोग इंक्रीज करेंगे अनटिल कि पूरी स्क्रीन हमारी फिल ना हो जाए इस टेक्सचर से। देन इसको हल्का सा अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद में ब्लेंडिंग मोड में जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग मल्टीप्लाई पे रखेंगे, एंड देन कलर्स के अंदर जाएंगे और एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फिल्म को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब हम लोग HDRI मैप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 3 के ऊपर, देन डबल क्लिक करके वीडियो के अंदर जाके और इसको हम लोग हल्का सा यहाँ पे अब हम लोग अलाइन करेंगे हमारे टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अलाइन करने के बाद में ब्लेंडिंग मोड में जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग ओवरले पे सेट करेंगे। ओवरले पे सेट करने के बाद में हम लोग एनिमेशंस में जाएंगे और फर्स्ट की फ्रेम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड इसकी एक्स एक्सेस की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। एक्स एक्सेस पोजीशन डिफाइन करने के बाद में प्ले हेड को एंड में लेके जाएंगे और अब यहाँ पे इसकी अगेन एक्स एक्सेस पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। सो ये ट्रेवल करेगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। अब हम लोग इन सब को कॉपी करेंगे और फर्दर टेक्स्ट को भी हम लोग इसी पैटर्न के अंदर क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद में एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और MP4 सेलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ टेक्स्ट वीडियो फाइल, एंड सेटिंग्स में जाके क्वालिटी बेस्ट पे करेंगे, फ्रेम रेट को 60 फ्रेम पर सेकंड पे एंड बिट रेट को 50,000 पे करके ओके प्रेस करके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट के बाद में इन सब फाइल्स को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और प्रोजेक्ट मीडिया में से भी इनको डिलीट कर देंगे। अब हम लोग सभी सपोर्टिंग फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट पे क्लिक करके सभी सपोर्टिंग फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऑडियो ट्रैक के ऊपर, देन हल्का सा टाइमलाइन के ऊपर जूम करेंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर जाके फ्रेम रेट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे 60 फ्रेम पर सेकंड पे, एंड देन BG मेन क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 1 के ऊपर। प्लेहेड को एंड पॉइंट पे लेके जाएंगे और 5 फ्रेम्स पीछे लेके आएंगे प्लेहेड को। 5 फ्रेम्स पीछे आने के बाद में इसको श्रिंक कर देंगे हम लोग, इट मीन्स 5 फ्रेम्स इसमें से डिक्रीज कर देंगे। अब प्लेहेड को स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे, डबल क्लिक करके एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करेंगे और स्केल को इंक्रीज कर देंगे 400 पे, एंड देन प्लेहेड को हम लोग 10 फ्रेम्स फर्दर लेके आएंगे और यहाँ पे स्केल को रिड्यूस कर देंगे और इसको हम लोग कर देंगे 120 पे। अब प्लेहेड को एंड पॉइंट पे लेके आएंगे क्लिप के और यहाँ पे हम लोग स्केल को फर्दर रिड्यूस करेंगे 100 पे। अब हम लोग हमारी जो बैकग्राउंड क्लिप है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 2 के ऊपर, देन इस पर डबल क्लिक करेंगे और वीडियो में जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और स्क्रीन या फिर लाइनर डॉज आप किसी पे भी कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लाइनर डॉज के ऊपर इसको करते हैं, या फिर अगर आप स्क्रीन पे करना चाहें तो आप स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। देन हम लोग लेंस फ्लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 3 के ऊपर और इसकी भी टाइमिंग को हम लोग हमारी मेन क्लिप की टाइमिंग के साथ में मैच करेंगे, एंड ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज कर देंगे और स्क्रीन पे कर देंगे और ओपेसिटी को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, तो ओपेसिटी को हम लोग अराउंड 50% पे रखेंगे। देन हम लोग हमारी जो टेक्स्ट वीडियो फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 4 के ऊपर और प्लेहेड को 5 सेकंड पे लेके जाएंगे और 5 सेकंड पे हम लोग टेक्स्ट वीडियो फाइल को कट करेंगे। कट करने के बाद में कट पोर्शन की हम लोग ड्यूरेशन को सेट करेंगे जो हमारी प्रीवियस क्लिप की ड्यूरेशन थी उनके साथ में। देन प्लेहेड को स्टार्टिंग पोजिशन पर लेके जाएंगे, हम लोग ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे स्क्रीन पे
एंड देन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्केल को इंक्रीज़ कर देंगे और 400 पे कर देंगे। देन अगेन प्ले हेड को हम लोग 10 फ्रेम्स फर्दर लेके आएंगे और स्केल को हम लोग रिड्यूस कर देंगे और 100 पे कर देंगे। अब प्ले हेड को हम लोग एंड पोजीशन पे लेके आएंगे और यहाँ पे स्केल को हम लोग फर्दर रिड्यूस कर देंगे 80 पे। अब हम लोग टेक्स्ट प्लेयर डाउन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 5 के ऊपर एंड डबल क्लिक करके इसके भी ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे कर देंगे या फिर कलर डॉज के ऊपर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर डॉज के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन कलर्स के अंदर जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आप लोग अपने फ्लेयर के कलर को चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कूल मैक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन प्ले हेड को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को स्टार्टिंग में हम लोग 0 पे कर देंगे। देन 10 फ्रेम्स फर्दर जाएंगे और ओपेसिटी को हम लोग 100% पे कर देंगे। देन इसकी एक्स एक्सिस की पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे एंड वाई एक्सिस की पोजीशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन करेंगे। देन प्ले हेड को एंड पॉइंट पे लेके जाएंगे क्लिप के। अब यहाँ पे इसकी एंड में जो एक्स एक्सिस पोजीशन है और वाई एक्सिस पोजीशन है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये ट्रैवल करे और पूरे प्रेजेंट वर्ड को कवर करे। टेक्स्ट प्लेयर अप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 6 के ऊपर एंड इसकी भी ड्यूरेशन को हम लोग मैच करवाएंगे हमारी प्रीवियस क्लिप की ड्यूरेशन के साथ में। देन प्ले हेड को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और वीडियो में इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग कलर डॉज पे रखेंगे एंड अगेन कलर्स के अंदर जाएंगे और इसके कलर्स को भी हम लोग जैसे प्रीवियस क्लिप के हमने कलर को चेंज किया था उसी तरह से कूल मैक्स को सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब अगेन एनिमेशन में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को 0 पे कर देंगे। देन 10 फ्रेम्स फर्दर जाएंगे और ओपेसिटी को हम लोग यहाँ पे 100 पे कर देंगे अगेन। और यहाँ पे अब इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग डिफाइन करेंगे। देन प्ले हेड को एंड पोजीशन पे लेके जाएंगे और अगेन इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग डिफाइन करेंगे और इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये पूरे ए बी प्लैनेट को कवर करे, तो ये ट्रैवल करे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। अब हम लोग स्मोक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 7 के ऊपर एंड जितनी हमें रिक्वायर है उतना हम लोग इसको रखेंगे और कट करके रेस्ट ऑफ पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। अब स्मोक क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और वीडियोस के अंदर जाएंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और स्क्रीन पे करेंगे एंड ओपेसिटी को हम लोग रिड्यूस कर देंगे 25% पे एंड हल्का सा स्केल को इंक्रीज करेंगे। अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी करना चाहते तो भी चलेगा। इंक्रीज़ करने के बाद में इसको हल्का सा हम लोग अलाइन करेंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब हम लोग जो हमारे फ्रैक्चर ग्लास हैं उनको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सभी क्लिप्स के ऊपर टॉप लेयर पे एंड देन इसकी पोजीशन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज कर देंगे, स्क्रीन पे कर देंगे। सो इसी तरह से जो फर्दर जो फ्रैक्चर ग्लास है उनको भी हम लोग सेट करेंगे और उनकी भी हम लोग पोजीशन को डिफाइन करने के बाद में उनके भी ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देंगे। सो अब गाइज फर्दर टेक्स्ट को भी हम लोग इसी तरह से क्रिएट करेंगे। तो अगेन प्ले हेड को 10 सेकंड पे लेके जाएंगे और कट करके और फर्दर टेक्स्ट को भी इसी पैटर्न के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हम लोगों का टाइम सेव हो जाए। फर्दर टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद में अब हम लोग जाएंगे ट्रांजिशंस के अंदर और रैप के अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे रैप 6 को और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जो हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल थी उस पर, और इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को हम लोग रिड्यूस करेंगे और सेट करेंगे जो हमारा सेकंड की फ्रेम था उस पर एंड देन हम लोग रैप 6 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जो हमारी बैकग्राउंड क्लिप थी उसके ऊपर और यहाँ पर भी इसकी ड्यूरेशन को हम लोग सेट करेंगे सेकेंड की फ्रेम पर। अब इसी तरह से हम लोग बाकी क्लिप्स के ऊपर भी ये ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन लगाने के बाद में अब हम लोग जाएंगे मीडिया के अंदर
और प्रोजेक्ट मीडिया में पार्टिकल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर। टॉप लेयर पर ड्रॉप करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे, वीडियो के अंदर जाएंगे और इसको यहां से फ्लिप कर देंगे। देन राइट क्लिक करेंगे और स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाएंगे और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग सेट करेंगे जो हमारी क्लिप की ड्यूरेशन थी उसके हिसाब से। ड्यूरेशन सेट करने के बाद में ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज कर देंगे और स्क्रीन पे कर देंगे। देन इस क्लिप को हम लोग कॉपी करेंगे और फर्दर हम लोग पेस्ट कर देंगे। सभी क्लिप्स के ऊपर इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। देन हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर और ओवरलेज के अंदर, फ्रेम के अंदर हम लोग सिनेमा 21:9 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर और इसको एक्सटेंड करके हम लोग पूरी क्लिप के ऊपर सेट करेंगे। सिनेमैटिक बार लगाने के बाद में हम लोग जो हमारी मेन बैकग्राउंड क्लिप थी उसको सिलेक्ट करेंगे। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसको अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सेट करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन और इसको ऊपर से और नीचे से इस तरह अलाइन करेंगे कि इसकी पोजीशन को हम लोग जो हमारे सिनेमैटिक बार हैं उसके अंदर ही रखेंगे। तो ये पूरी स्क्रीन पे नहीं रहेगा, ये केवल सिनेमैटिक बार पे जिस हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप लोग सेट करेंगे। इसी तरह से जो फर्दर क्लिप्स हैं उनको भी हम लोग सेट करेंगे। सेट करने के बाद में एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ द चेज ट्रेलर। फॉर्मेट MP4 सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, क्वालिटी बेस्ट पे करेंगे। तो अब ये हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो सीधा चलते हैं और देखते हैं कि कैसा लगेगा हमारा ये द चेज ट्रेलर।